ये है ना, किसी भी शॉपिंग वगैरह का बैग होता है ना जो हमें काम नहीं आता है, तो इसे हम रीयूज कर सकते हैं और इसका हम बना सकते हैं। चलिए हमें बताती हूँ क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये क्या करना है ना, हमें इतना कट कर लेना है, ये हिस्सा है ना कोने का, ये इतना कट कर लेना है। अगर आप चाहे तो बड़ा भी कट कर सकते हैं या थोड़ा सा छोटा भी कट कर सकते हैं। देखिए, एक कोना किनारा जो है कट के निकल गया है, अब दूसरे किनारे को भी काट कर निकाल लेंगे। तो दोनों का साइज जो है इक्वल होना चाहिए। और अब यहाँ पर ना हम लगाएंगे रिंग गोल सी, और अगर आप चाहें ना तो इसे उल्टा भी सिल सकते हैं, ये बाहर कर सकते हैं या फिर गोल्डन वाला भी बाहर कर सकते हैं। और ये बस बीच की सिलाई आपको सिल देनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास दो चूड़ियाँ हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। एक्चुअली ये कड़ा था, इसके ऊपर डिज़ाइन थी, वो डिज़ाइन वगैरह निकल गई थी, तो इसे ना मैं रखी हुई हूँ एक अंदर जो एकदम बराबरी में आ रही है, मतलब थोड़ी सी ढीली है। अगर हम ये इस पर अटैच करेंगे ना तो ये बराबर हो जाएगी। तो जो छोटे साइज़ की है ना, उसे रखकर हम पहले मार्क कर लेंगे कट करने के लिए गोल सा। तो देखिए, ये कट हो चुका है, और छोटी वाली चूड़ी लेकर ना इस तरह से हम इसके ऊपर फंसा देंगे, और बस जो बड़ी साइज़ की चूड़ी है ना ऊपर से रखकर दबा देंगे, तो ये इसमें बीच में अटैच हो जाएगा। और अभी इस दोनों पार्ट को ना सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे एक दूसरे में। बस इसमें थोड़ा सा अटैच कर देंगे ताकि हम कहीं पर भी इसे हैंग कर सकें। तो यहाँ देखें, हमारे पास जो भी सब्जियाँ वगैरह लाते हैं उसकी थैलियाँ हैं ना, ऐसे पोटले बंधे हुए यहाँ वहाँ पड़ी रहती है, जगह नहीं होती थी रखने की, इतनी ज़्यादा हो जाती थी। और तो अब इसे क्या करेंगे ना, जो हमने इसका जुगाड़ लगाया है ना उसमें बैग में ही सारी भर देंगे, और बस जितनी जैसी ज़रूरत होगी इसे हैंग कर देंगे कहीं पर भी, और एक एक नीचे से निकालते जाएंगे, तो है ना अच्छा जुगाड़। और यहाँ देखिए, रोटी का डब्बा है, इसमें ना रोटी जब हम रखते हैं और उसके नीचे न्यूज़पेपर या फॉइल पेपर वगैरह रखते हैं, तो उस सारी चीज़ों से ना बीमारियाँ होती है। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर जब हम रखते हैं, रोटी गर्म होती है तो जो इसकी स्याही होती है ना, जिससे लिखा होता है, इंक वगैरह है ना, रोटी पर छप जाती है, और पूरा जो है रोटी का इसका जो केमिकल वगैरह होता है ना, सारा रोटी में आ जाता है। तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं जो पता था मैं आपको बता दे रही हूँ। और जब रोटी को गर्मा गर्म हम फॉइल पेपर में रखते हैं ना, तो रोटी की गर्माहट से जो एलुमिनियम है ना फॉइल पेपर, वो पिघलने लगता है। ये पिघल कर जब हमारे शरीर में जाएगा ना, हम इसे खाएंगे, तो उससे ना इससे अल्जाइमर का ख़तरा ज़्यादा बढ़ सकता है, तो फॉइल पेपर का भी इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने ना कॉटन का कपड़ा ले ली हूँ, ये आपके पास जो भी सॉफ्ट कपड़ा हो, जिससे भी आप बनाना चाहते हैं ना रोटी के लिए कपड़ा ला सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये अच्छा मोटा कपड़ा है तो मैं सिंगल ही रखूँगी, अगर ज़्यादा पतला रहता है ना तो उसे मैं ऐसे इस तरह से डबल पे रखती हूँ, तो ये सिंगल ही रखूँगी। अभी हम ले लेंगे, और मैं दो कपड़ा बनाऊँगी ताकि एक जब हम इस्तेमाल करें और एक धुल्ले में डालें ना, तो एक हमारे पास रहे। इसकी लेंथ हमें ले लेनी है 17 इंच, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी हम नहीं बनाते हैं, इतनी बड़ी रोटी रहती होगी और इसे फोल्ड करने में आसानी होगी। तो ये हो गया 17, एक एक इंच बढ़ा देते हैं सिलाई में लेने के लिए, तो 18 18 इंच कर देते हैं। ये हो गया, अब इसमें से हमने दो कर लेना है करके सिलाई लगा देंगे इस तरह से, चारों तरफ से लगा देंगे, और हमारा रोटी का कपड़ा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए सिल लेते हैं फटाक से। हाँ देखिए, रोटी के लिए कपड़ा तैयार हो गया है। अब इसे ना एक बार वॉश कर लेंगे, क्योंकि ये नए हैं, इस पर कांची वगैरह होती है, तो गर्म पानी से एक बार वॉश कर ले। मैं भी आप लोगों को बताने के लिए बस वॉश कर रही हूँ, और मैं गीज़र का पानी चालू करके आई हूँ तो वॉश कर लूँगी। तो देखिए, कपड़े सूख चुके हैं, और यहाँ पर
अब रोटी को इसमें रैप करके रख देते हैं। और इसमें गरम गरम रोटी भी रखेंगे ना तो अच्छी ही रोटी रहेगी, कुछ नुकसान नहीं होगा। और दो कपड़े बनाए हैं तो एक जब गंदे होंगे तो दूसरे का इस्तेमाल करेंगे, एक धुलकर रख देंगे। हाँ, ये है मेरे पास कुछ पुरानी जींस जो पहनने लायक नहीं है ना ही किसी को देने लायक है, मतलब इतनी पुरानी हो जाए तो किसी को देना भी अच्छा नहीं लगता है। इसके जो बटन वगैरह हैं वो टूट गए हैं, बाकी तो जींस अच्छी है। तो बटन लगाना पता नहीं लगते हैं कैसे लगते हैं, मुझे लगता है कि जो न्यू बनता है ना तभी लगता होगा। तो इसका मैं रीयूज़ कर रही हूँ, इसका बनाएंगे हम पायदान। और इसका कपड़ा इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना, ये पानी भी बहुत ज़्यादा ही ऑब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले ना ये जो है इसकी लेंथ लेकर हम कट कर लेंगे इस सारे को, तो जितनी भी लेंथ लेनी हो उसके हिसाब से कट कर लें। नीचे का ये जो सिलाई है उसे भी निकाल देंगे कट करके। यहाँ देखे चार जींस थी, चारों को मैंने कट कर ली। तो जींस का साइज जो है छोटा बड़ा था तो उस हिसाब से मैंने कपड़ा कट कर ली हूँ। ये है, वो है और ये है। इसके किनारे को थोड़ा सा सेट करके ना गोल शेप में कट कर देंगे। ये है थोड़ा सिलने के टाइम पूरी तरह से बराबर हो जाएगा, तो इस तरह से सारों को मैं कट कर लेती हूँ। उसके बाद चलते हैं स्टिच करने के लिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उस पर बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच का ना पट्टी कट कर रही हूँ बॉर्डर लगाने के लिए। तो बॉर्डर अटैच करने के लिए दोनों कपड़ों को ना आपस में जो उल्टा रखना है अंदर की तरफ और सीधा है जो बाहर की तरफ रखना है, क्योंकि ये इसी तरह से रहेगा। और इस तरह से ना बॉर्डर की पट्टी जो है रखकर पूरी तरफ सिलाई मार देंगे आधे आधे इंच पे एडजस्ट करते हुए, क्योंकि ये गोल शेप में है ना, थोड़ा सा ओल है तो ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। किनारे किनारे से ना सारे उस पर मैंने ना छोटे छोटे से कट्स लगा ली हूँ ताकि जो इसका शेप है ना अच्छे से बैठ जाए। अब इसे पलटी करेंगे इस तरह से और फोल्ड करते हुए ना इस तरफ जो है मोड़ के सिलाई मार देंगे। ये देखिए इस तरह से, तो बस इसी तरह से पूरे पे सिलाई लगा देंगे तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सिल गया है, मगर ये है जो नीचे की तरफ रहेगा, तो ये है फ्रंट साइड। ओपन शेल्फ पे बुक ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे बेस्ट वे है, तो चले यहाँ पर शुरू करते हैं। और ये मेरे पास ना सारे ऑनलाइन से जो है कार्डबोर्ड वगैरह आए थे शॉपिंग के, अभी खाली भी नहीं हुए थे कि मैंने सारे को निकाल करना इनके बॉक्स को यूज़ पे ले ली हूँ ताकि ये वेस्ट ना जाए, हमारे कुछ काम तो आ जाए। बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर छोटा कार्डबोर्ड रखेंगे और उसी के साइज़ का हमें एक निशान मारना है जिसे कट करना है। तो उसके साइज़ का ये निशान रहेगा और जो पीछे की कार्डबोर्ड बॉक्स रहेगी ना वो बड़ी रहेगी, और इस तरह से ना क्रॉस में कट कर देंगे। तो दोनों तरफ से क्रॉस में रहेगा और आगे बॉक्स के बराबर इसे कट कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर ली हूँ। अब ये जो वाइट वाला बॉक्स है ना इसका ऊपर का हिस्सा हमें निकाल देना है, बस साइड से ऐसी रहेगा, इसके ऊपर का हिस्सा निकालेंगे और आगे से छोटा काटेंगे। जैसे हमने बड़े बॉक्स को कट किया है उसी तरह से इसे भी कट करेंगे, मगर ये ना उससे छोटे वाले बॉक्स के साइज का काटेंगे। ये खाली ऊपर का निकालेंगे और इसे रख कर इसके आगे का जो हिस्सा है इसके साइज का काटेंगे। तो सेम मैंने ना बड़े वाले बॉक्स को जिस तरह से कट की थी फर्स्ट बॉक्स को, उसी तरह से इसे भी कट की हूँ, बस साइज का फर्क है। ये देखिए ये मेरे पास रोल है, तो यहाँ पर अगर आपके पास रोल वगैरह ना हो तो कोई भी बॉक्स वगैरह जो कट करके छोटे साइज का लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका ये इसे भी क्रॉस में ही कट करूंगी और आप आगे देखिए इसका क्या काम आता है। सारी चीजें है ना कट चुकी है, अब इन्हें क्या करना है ना, मेरे पास स्टिकर है, सारे को स्टिकर लगा देना। आपके पास पेपर हो पेपर चिपका दे, बस इसका लुक चेंज करना है। तो चले पूरे पे स्टिकर लगाकर फिर मिलते हैं। तो ये वॉल स्टिकर लगाने से पहले ना मैंने क्या की ना सारों को ना स्टेपलर मार दी, जो जो जॉइंट हो रहे थे उन्हें जॉइंट करके, क्योंकि मुझे ऊपर से स्टेपलर मारने पर ना स्टेपलर की पिन जो है दिखती, इसलिए मैंने स्टेपलर की पिन मार कर फिर उसके बाद जो है स्टिकर लगा दी हूँ। और कुछ वो जो रोल है ना
उसे मैं अब चिपका दूंगी। अगर आपके पास ग्लू गन हो तो उससे भी चिपका दे, मेरे पास अभी है लेकिन उसका मेरे पास ग्लू नहीं था तो इस वजह से मैंने स्टेपलर से अटैच कर ली हूँ। सुबह में जब ग्लू गन आएगा तो मैं उसे चिपका दूंगी। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने ना रात में ही बना ली थी और इसके नीचे जो है लगाने के लिए मैंने उसे भी एक बड़ा सा कार्डबोर्ड जो है उसे भी स्टिकर लगा दी थी। और यहाँ पर अब जो सारे हैं ना हमें इसे अटैच कर देना है ताकि ये आपस पे जुड़ जाए, निकले नहीं, क्योंकि मैंने इस पे स्टेपलर की हो तो चिपकाना जरूरी है। अगर आपके पास ग्लू गन ना है तो आप ना फेविक स्टिक से भी चिपका सकते हैं। तो इसके बीच में मैं एक पार्टीशन मार रही हूँ क्योंकि एक तरफ जो है मुझे छोटी छोटी बुक्स रखनी है और एक तरफ जो है थोड़ी सी बड़ी, तो ये सब आप बाद में देख लेंगे क्या रखना है, बस इसे स्टिच कर दे रही हूँ मैं। और अब इस पर हम ये चिपका देंगे, तो अच्छे से ग्लू गन के ग्लू से चिपकाए या फिर आपने फेविस्टिक या फेविकॉल जिससे भी आपको चिपकाना है उससे बस इसे चिपका दे। अच्छे से इस पर पेस्ट कर देना है और अंदर जो है ना कोई भी जो आपके पास कलर हो वो कलर लगा दे। तो ये देखिए ये रही शेल्फ, इस तरह से हो जाती है। अगर इस पर कोई चीज जो है खाली रहती है ना, एक तरफ बुक थी एक तरफ मैंने ना अहमद के खिलौने सजा कर रखी थी, मगर वो जब भी खिलौना देखता था ना पीछे ही पड़ जाता था, खिलौना दो, तो मैंने उसके खिलौने हटा दी। उसके बाद जब ये खाली शेल्फ मिल जाए ना किसी को क्या, मुझे भी अगर कोई सामान मेरे हाथ में रहे तो मैं अगर कोई काम करते रहूँ तो सामान यहीं पर उठा कर रख देती हूँ और इस तरह से फिर ये शेल्फ एकदम कबाड़ा हो जाती है। तो ये रहा हमारा स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर। अगर आप चाहे तो इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किचन की चीज़ों के लिए भी है। और इस पर जो हमने वॉल स्टिकर लगाया है ना, ये वाटरप्रूफ है तो ये अगर गीले भी होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ना कुछ छोटी छोटी जो अहमद की पहले की बुक्स थी वो रख दी, और यहाँ पर मैंने अहमद का पजल रख दी हूँ। ये थोड़ा ना चिपकाने में कम ज़्यादा हो गया क्योंकि बुक्स के लिए मुझे थोड़ा कम जगह चाहिए थी और पजल के लिए थोड़ी ज़्यादा, मगर कोई बात नहीं, पजल थोड़ा फिट आया है और ये क्या कहते हैं बुक्स है थोड़ी लूज आई है। और ऊपर के है जो बुक्स वगैरह वो सब तो बराबर ही थे क्योंकि मैंने कार्डबोर्ड जो है ना देखकर ही ली थी। तो बस इसे भी इसमें ऑर्गेनाइज कर देंगे। और रही यहाँ पर जो हमारा रोल गोल, इस पे हम रख देंगे पेंसिल। कैसा लगा हमारा स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से हमारी जो चीज़ें हैं ना एक जगह पर रहेगी जो भी चीज़ें हैं। अगर इसे चाहे तो जब पढ़ाई वगैरह करते हो तो पूरा ये ऑर्गेनाइजर अपने साथ लेकर बैठ सकते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो इस्तेमाल करें और फिर से वापस रख कर इसे इसकी जगह पर रख सकते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। तो ये स्टिकर मैंने मंगाई थी, इस पर लिखा है कलमा, और इसका तो मैंने वो ऑर्गेनाइज़र में इसके जो बॉक्स आए थे वो लगा दी, रोल वाले बॉक्स थे जो इसमें ही आए थे। तो अब इसे मैं स्टिक कर देती हूँ वरना वो यहाँ वहाँ रखा रहेगा, अच्छा नहीं है, इसकी बेद भी होगी, तो मैंने सोची इसे स्टिक कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टिकर है ना इसके सांचे बने हुए हैं, इस तरह से इसे निकाल लेंगे तो ये जो ट्रांसपेरेंट है ना ये अलग हो जाएगा और फिर हमें इसे दीवार पर स्टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे काट काट के अलग कर दे रही हूँ क्योंकि ये जो ये है ना तलवार बनी हुई है। और ये वॉल स्टिकर है ना मुझे मिला था 64 रुपीज़ में, मैंने मंगाई थी शॉपसी से। वहाँ पर अभी ना होम डेकोर सामान इतने ज़्यादा सस्ते इतने रिजनेबल प्राइस में है ना कि क्या क्या मंगा लें। लेकिन अब जिसको होम डेकोर करना है सामान वो सब मंगा सकते हैं। मैंने एक वो और भी सामान कुछ मंगाई थी फिर समझ में नहीं आया कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, और भी बहुत सारे सामान है तो मैं आपको बाद में बताऊंगी फिर कभी किसी वीडियो में। तो ये देखिए चिपकने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। और ये ट्रांसपेरेंट के ऊपर बना हुआ है तो ये किसी भी कलर के ऊपर लगा सकते हैं, कौन से भी कलर वॉल पे, तो ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने ये चिपकाया हुआ है, ऐसा लगेगा कि ये खुद से लिखा हुआ है। अब इसके नीचे जो है वो तलवार बनी हुई थी उसे लगा देंगे। हमारे पास जो वेस्ट पिल्लो कवर होते हैं जो काम नहीं आते हैं उनसे पंखा क्लीन करने के लिए ना बहुत ही अच्छा हैक है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो पंखे के फैन के जो पर है ना उसमें पिल्लो को इंसर्ट करना है और फिर उसे अच्छे से दबाते हुए क्लीन कर देना है। इससे क्या है ना हमारे जो पंखे में जितनी भी धूल डस्ट जाले वगैरह लगे होंगे ना वो नीचे नहीं गिरेंगे, फर्श पर नहीं गिरेंगे, ना उसे क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी भी फ़ैन पे धूल वगैरह होगी वो सारी जो है पिल्लो कवर में आ जाएगी और इस तरह से क्लीन करना बहुत ही ईजी वे है, ना नीचे गिरेगा ना अगर
पलंग के ऊपर हमारे फैन वगैरह है तो उसे भी क्लीन करने में नीचे जो है गंदगी नहीं फैलेगी, और फिर उसे गीले कपड़े से बाद में पोंछ लेना है। ये हमें क्लीनिंग के लिए, वैसे तो मॉर्निंग का सबसे प्रोडक्टिव और एक्टिव डे रहता है क्योंकि हम पूरी नाइट जो है आराम करके उठते हैं, तो ज़्यादा जो एनर्जी रहता है ना वो मॉर्निंग में ही होता है। तो मॉर्निंग में अगर हम सारे काम कर लेंगे ना तो दूसरे टाइम पे हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा और थकान भी नहीं लगेगी और आलस भी नहीं आएगा। तो 30 मिनट जो है मॉर्निंग में निकाले डस्टिंग वगैरह के लिए, और अगर मोबाइल छोड़कर हम अगर अपने काम पर ध्यान देंगे ना तो काम जो है पूरा 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो जितनी भी दीवारों पर ओपन शेल्फ है ना उसे क्या करती हूँ ना, एक एक दिन में एक बार क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इससे ना ये ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करना पड़ेगा और इस पर डस्ट भी नहीं जमा होगा और ऑर्गेनाइज लगेगा। जब कोई भी चीज़ क्लीन होती है ना तो बहुत ही ऑर्गेनाइज लगती है। तो इसी तरह से बस एक एक हाथ सब पे फिरा देती हूँ, जितने भी धूल वगैरह होती है निकल जाती है। ये हमारी वुडन रॉक है ना, इसे कितना भी क्लीन कर लो ये ऊपर से तो क्लीन हो जाती है, मगर जो इसके अंदर जो डिज़ाइन बना है लिखा हुआ है ना उसके अंदर से ये कभी नहीं क्लीन होती है, इसे क्लीन करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक हैक है कि जो हमारे पास ना ब्रश होते हैं टीथ ब्रश, इसका इस्तेमाल करें। हाँ, जो अच्छा हो लेकिन इस्तेमाल ना करना हो उसका एक क्लीनिंग के लिए साइड ब्रश बना लें। तो यहाँ देखें ये एक में क्लीन हो गया है और एक में देखें थोड़ा थोड़ा सा डस्ट दिख रहा है, और ये वुडन जो है ना बारिश की वजह से अपने आप ही दीवारों पर ना नम होती हैं तो इसके अंदर फंगस वगैरह ज़्यादा लगती है। तो अंदर बाहर से हर जगह से इसे अच्छे से क्लीन कर लें और इस तरह से ना एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा, ज़रा भी इसमें धूल नहीं बचेगी। DIY होते हैं तो मैंने इसे रख ली थी, मैंने सोची थी कि एक बुके बनाऊंगी, कुछ भी करूंगी, मतलब सोच कर रखी थी कि कुछ तो भी इस्तेमाल में लूंगी। तो अभी यहाँ पर ना सबसे पहले तो इसे क्लीन कर लेना है बहुत ही अच्छे से, इसका जो कलर वगैरह लगे है ना आधे लगे आधे नहीं लगे तो अच्छे से धुलकर निकाल देना है। ये जो बड़े वाले ग्लास पॉट का है ना, मैं कुछ तो भी अच्छा ही करना सोच रही हूँ, इसीलिए इसके अंदर बाहर ना एकदम अच्छे से साफ करेंगे ताकि हम इसमें पानी भी डालकर पी सकें। जो कांच है ना वो भी एकदम ठीक है, मजबूत वाला लग रहा है। और ये देखिए ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स मैंने मंगाई थी, बहुत ही प्यारा है ना, इसको खोल कर जब मैंने देखी थी ना तो मेरा तो दिल ही आ गया था, इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये सिर्फ 146 रुपीज में है। तो अगर आप लोगों को भी मंगाना है तो मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। प्राइस जो है कम ज्यादा होते रहता है तो अभी क्या है पता नहीं, पर ये मुझे 146 में मिला था। लग रहे हैं देखिए इसमें और चार चांद लगाने के लिए ना मेरे पास ये दो मैट्स कह लेंगे, मैट्स ही कह सकते इसे, ये मेरी सिस्टर ने मुझे बनाकर दी थी, बहुत ही प्यारा है, एक छोटा सा है और एक बड़ा। तो इसके ऊपर ठीक है और ये भी रख सकते हैं, मगर ये थोड़ा अलग अलग हो जा रहा है, दोनों डिफरेंट हो जाएगा, ये दोनों मैचिंग हो जा रहा है। और इसमें हम जूस पानी जो भी रखे इसके ऊपर रख सकते हैं, ये स्लिप नहीं होगा इसके ऊपर एकदम अच्छे से रहेगा, ये भी स्लिप नहीं होगा, तो प्यारा सा लग रहा है ना। और ये वाला जो हैक है ना ये कुकिंग के लिए बहुत ही स्पेशल है, अगर हमें ब्रिस्ता बनाना होता है तो हम कट करते हैं और डायरेक्ट बनाने लग जाते हैं, लेकिन अगर हम क्या करेंगे प्याज को कट करके थोड़ा टाइम आधा एक घंटा फैन के नीचे थोड़ा सा हवा दे दें या फिर धूप में आधे घंटे के लिए रख दे तो उसका जो मॉइस्चर है ना वो एकदम से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ना इसे फ्राई करेंगे तो एक तो इतना जल्दी फ्राई हो जाएगा और ऊपर से इसमें तेल भी कम लगेगा। तो अगर बल्क क्वांटिटी में बनाना हो तो इसे इस तरह से बना सकते हैं, या कम भी बनाना हो तो इस तरह से थोड़ी सी जो इसकी नमी है उसे सुखा कर बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्टली बनेगा आपका बिरिस्ता और जल्दी से भी बन जाएगा। और बहुत से लोग बिरिस्ता बनाते हैं ना तो उनकी प्रॉब्लम हो जाती है कि बिरिस्ता है ना डार्केस्ट हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना है ना जब लाइट गोल्डन होना तभी निकाल लेना है, क्योंकि बिरिस्ता निकलने के बाद भी है ना जो कुकिंग का प्रोसेस उसका चालू होता है तो ये थोड़े और डार्क हो जाते हैं, इसलिए जब लाइट होना तभी निकाल देना चाहिए। और जब हम तेल में से निकालते हैं ना तो जब निकालते रहते हैं तो जो बचे रहते हैं उनका भी प्रोसेस चालू रहता है तो और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, तो जब भी एकदम लाइट होना उसे निकालना शुरू कर देना चाहिए और इसे ना इस तरह से फैलाते हुए रखना है जहाँ ऐसे चिपके हुए गुटलियाँ ना बनी हो, क्योंकि जहाँ पर भी गुटलियाँ बनी होगी ना वहाँ पर बिरिस्ता जो है ना सॉफ्ट रहेंगे अंदर के और तेल पकड़ लेगा। तो अगर फैला कर पूरा रखेंगे ना तो बिरिस्ता एकदम क्रिस्पी और तेल छोड़कर बनेगा।
और अब ब्रिस्ते को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, जार में, डब्बे में, टिफिन जो भी आपके पास हो उसमें स्टोर कर सकते हैं आप। और ये भी ऑयल जो है ना ये वेस्ट नहीं जाएगा, तो इसे क्या करना है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जितना भी ऑयल हमारे बर्तन पर लगा है उसे भी पोंछ लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमारी जितनी भी वुडन चीज़ें हैं ना उस पर जाकर थोड़ा सा पॉलिश कर देना है, इससे कि ये इसकी शाइनिंग बनी रहेगी और ये काफ़ी वक्त से ऐसे बेरुखे जान से होते हैं तो इनमें चमक आ जाएगी। या फिर आप अपने चकला बेलन पे भी कर सकते हैं, रोटी जिस पर बनाते हैं पोलपाट, और या फिर घर में कोई भी शेल्फ हो वुडन की उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं इसका ऑयल।